करने का। और दूसरा सवाल रितेश से है कि क्या माहिरा नजर आएगी आने वाले दिनों के प्रमोशन में? सो आई थिंक या इफ माहिरा की आई मीन व्हेन वी स्टार्ट प्रमोटिंग द फिल्म इफ वी फाइंड इट नेसेसरी टू ब्रिंग हर हियर एंड इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ कोर्स शी विल कम। आई डोंट थिंक देयर इज एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर हर टू कम फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि दे स्टॉप इशूइंग वीजास टू एनीबॉडी टू कम फ्रॉम देयर। सो आई थिंक एज एंड व्हेन वी डू डिसाइड एंड इन्वॉल्व हर वी विल गेट एनफ। शाहरुख आपका मेरा सवाल आपसे शाहरुख रेखा खान नवभारत टाइम से शाहरुख जैसे आपने रईस को डिफाइन किया, रईस के बहुत सारे डेफिनेशन हो सकते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब कब रईस फील करते हैं, क्योंकि रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती है। जेन्युइनली कभी कोई अच्छा काम हो जाए, और मेरा एक फलसफा है कि अगर अच्छा काम करो, चैरिटेबल बात करो, चैरिटी नहीं चैरिटेबल बात करो, तो उसके बारे में किसी को बताओ नहीं, अपने पास रखो, लेकिन फीलिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है। कुछ अच्छी चीज़ कर जाओ, किसी और के लिए कर जाओ। सो आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं घर में बोलूँगा क्योंकि कहीं पर भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ जिससे वो खुश हो जाते हैं। छोटा वाला स्पेशली बोले आई रियली लाइक यू पापा, सो बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी रईसी फील होती है छोटी सी चीज़ करके भी, इवन इफ इट इज़ जस्ट स्पेंडिंग टाइम। कभी कभी दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं, कभी कभार काम करने में कुछ तकलीफ होती है और हमारा किसी से पहचान है, दोस्ती में कुछ हेल्प कर दो एक दूसरे की, सो देन आई फील कि हमने कुछ अच्छा कर दिया विदाउट कंडीशन। जब कुछ अनकंडीशनली किसी के लिए कर दो, प्यार में कर दो, बांटने में कर दो, मोहब्बत में कर लो, यारी में कर लो, आई थिंक यू रियली फील नाइस। आई थिंक उसी फीलिंग को रईसी बोलते हैं।